हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का कंपटीशन कम्युनिटी में। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की ढेर सारी और बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन कम्युनिटी के इस हफ्ते के टॉपिक को एनालिसिस करने वाले हैं। इस हफ्ते जो है लाइव वीडियो नहीं हो पा रहा है क्योंकि दीपावली की वजह से बहुत सारे लोग दीपावली में व्यस्त होंगे, तो इसलिए रिकॉर्डेड वीडियो है आप लोगों के लिए इस हफ्ते। और इस हफ्ते का जो हमारा टॉपिक था, आदिवासी पर्यटन, वर्तमान स्थिति और संभावनाएं, ट्राइबल टूरिज्म, करेंट स्टेटस एंड प्रोस्पेक्ट्स। डिस्कशन कम्युनिटी पर बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा प्रयास किया है, और डिस्कशन कम्युनिटी पर जितने लोगों ने प्रयास किया था उसमें से एक आर्टिकल मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा पसंद आया है, तो उनके पॉइंट्स के आधार पर ही मैं आज आप लोगों से एनालिसिस करने वाला हूँ। बहुत सही पॉइंट्स उन्होंने यूज़ किया है। दूसरी बात, डिस्कशन कम्युनिटी पर इस हफ्ते जिन लोगों ने भी प्रयास किया उनको इस हफ्ते कमेंट नहीं मिला होगा क्योंकि व्यस्तता थी थोड़ी सी मैगजीन की वजह से, तो वो कमेंट आप लोगों को एक दो दिन में दे दिया जाएगा। और तीसरी बात, माइंड मैप से रिलेटेड, माइंड मैप का काम चल रहा है, सारे टॉपिक के जितने भी माइंड मैप्स थे वो सारे आपको एक साथ अवेलेबल करवा दिया जाएगा, तो माइंड मैप की टेंशन मत लीजिएगा, वो थोड़ा सा भी व्यस्तता की वजह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन प्रोसेस में है, सारी चीज़ें आपको एक साथ वहाँ पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट इस हफ्ते का एनालिसिस। तो हमारा टॉपिक क्या था, आदिवासी पर्यटन यानी कि ट्राइबल टूरिज्म, करेंट स्टेटस एंड प्रोस्पेक्ट्स। देखिए, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं एक बातें बता देता हूँ। इस टॉपिक पे यानी कि आदिवासी टूरिज्म से संबंधित आपको डेटा छत्तीसगढ़ में बहुत कम मिलेंगे। सरकार पर्यटन से कितना कमाती है, कितना खर्च करती है, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं, ये सब बहुत कम मिलेंगे आपको। ये आपको आर्थिक सर्वेक्षण भी देख लो, उसमें भी बहुत कम मिलेंगे। तो बहुत जगह पे बहुत सारी ये डेटा जो है एकत्रित नहीं है, अलग अलग सोर्सेज से आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर पढ़कर डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। और किस तरह से आप पढ़ सकते हो और कौन कौन से पॉइंट्स को आप लोग यूज़ कर सकते हो, वो सारी चीज़ों पर आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के पास में इससे संबंधित प्रॉपर डेटा नहीं है, इसलिए इस टॉपिक में ज़्यादा डेटा बनता नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज ये, इसीलिए इस टॉपिक पर एक अच्छा एसे तैयार किया जा सकता है। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। आप लोगों को पता है कि एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए सबसे पहले किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने के बाद क्या पूछा जा रहा है, क्या आपसे वो पूछने की कोशिश कर रहा है, उस बात को समझिए। उसके बाद उसकी फ्रेमिंग कर लीजिए, साइड में रफ पेज में थोड़ा एक दो मिनट टाइम दो, उसको फ्रेम करो, उसको समझो। तो उसी आधार पे हम लोग इस डिस्कशन को करते हैं, हम लोग फ्रेमिंग समझते हैं। इंट्रोडक्शन आता है सबसे पहले, उसका बाद आपका आ जाएगा बॉडी यानी कि आपका एसे का जो मेन पार्ट होगा वो उसमें आ जाएगा, और उसके बाद लास्ट में हम लोग कंक्लूजन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर सबसे पहले जो स्टार्ट करना है वो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन से होगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन ट्राइबल टूरिज्म से संबंधित यहाँ पर ये होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट कवर किस प्रकार से है। एग्जांपल बता रहा हूँ कि किस तरह से आप बेसिक इंट्रोडक्शन दे सकते हो। फॉरेस्ट कवर 44.21%। इसके अलावा ट्राइबल पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ में कितना है, तो 30.62%। बहुत बड़ा एक हिस्सा हमारा छत्तीसगढ़ का जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ में, तो इस डेटा को आप लोग वहाँ पर मेंशन करो। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन में और भी ट्राइबल से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास में अवेलेबल है, अगर कुछ डेटा है आर्थिक सर्वेक्षण में कुछ डेटा है तो उसका यहाँ पर इस्तेमाल करो। इसके अलावा इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पार्ट में ही, बेसिक इंट्रोडक्शन में लास्ट में आप यूज़ करो स्वदेश दर्शन स्कीम को, क्योंकि ट्राइबल टूरिज्म से रिलेटेड छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में स्वदेश दर्शन स्कीम से बड़ा योजना कोई नहीं है। ठीक है, और स्वदेश दर्शन स्कीम इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यह एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र सरकार की एक योजना है, और जिसके तहत में आप लोग को पता है कि 13 परिपथों पर जो देश के विभिन्न महत्वपूर्ण टूरिज्म प्लेसेस हैं उनको डेवलप किया जा रहा है, तो उसी एक परिपथ में से जो आपका आदिवासी परिपथ है उसकी शुरुआत हुई है छत्तीसगढ़ से, तो इसीलिए स्वदेश दर्शन स्कीम्स अपने इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस करो। जैसे मैंने शुरू में बोला ना कि एक का जो आंसर राइटिंग था मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा, उसी को मैं यहाँ पर एनालिसिस कर रहा हूँ। उनका नाम है मधुलिका, उनके एसे को आप लोग जाके वहाँ पर पढ़ सकते हो, और अगर अगले हफ्ते जो टॉपिक दिया जाएगा उस पर आप बेहतर आंसर राइटिंग करते हो और अगर वो मुझे पसंद आता है तो आपके कंटेंट को भी हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, तो इससे आप में एक मोटिवेशन भी आएगा। ठीक है, तो स्वदेश दर्शन स्कीम को यहाँ पर मेंशन करो। स्वदेश दर्शन स्कीम की शुरुआत हुई थी धमतरी से, पिछले साल ही हुआ था, 100 करोड़ रुपये की फंडिंग की गई है स्वदेश दर्शन स्कीम्स के तहत में आदिवासी ट्राइबल्स के लिए। तो सबसे बड़ा
छत्तीसगढ़ में अगर आदिवासी ट्राइबल से संबंधित अगर कोई सबसे बड़ी संभावना बन सकती है तो वो स्वदेश दर्शन स्कीम्स के तहत बन सकती है, क्योंकि इस स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ ट्राइबल टूरिज्म को राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग वहाँ पर जरूर मेंशन करो। और स्वदेश दर्शन स्कीम्स को इंट्रोडक्शन के सेकंड पैराग्राफ पे आप थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस कर दो। स्वदेश दर्शन स्कीम को डिस्कस मत करना, स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत में जो ट्राइबल परिपथ सर्किट है, जो आदिवासी परिपथ है, उसको एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन बन जाएगा बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में, कुछ बेसिक डेटा के साथ में और स्वदेश दर्शन स्कीम के साथ में। बात समझ आ रही है ना? ठीक, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। इंट्रोडक्शन से पहले आप कोटेशन यूज जरूर कर सकते हो। कोटेशन मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, ट्राइबल से संबंधित आप लोग कोटेशन गूगल सर्च कीजिएगा, बहुत सारे मिल जाएंगे। कुछ थॉट्स पढ़ा होगा, कुछ स्टेटमेंट पढ़े होंगे, या फिर अगर केंद्र सरकार के कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, या पर्यटन के महत्व किस प्रकार से हैं, तो ये अगर आप चाहो तो वहाँ पर कोटेशन स्टार्ट करके आप इस तरह से इंट्रोडक्शन खत्म कर सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग इसके मेन पार्ट यानी कि बॉडी वाले स्ट्रक्चर में, देखते हैं कि बॉडी इसका किस प्रकार से हो सकता है। चलिए, इसके बाद हम लोग अगर इसके बॉडी वाले पार्ट में आ जाते हैं यानी कि मुख्य संरचना में, देखते हैं कि ट्राइबल टूरिज्म से रिलेटेड यहां पर किस तरह से इसकी मुख्य संरचना हो सकती है। सबसे पहले पार्ट में आप ट्राइबल टूरिज्म से रिलेटेड ये बताइए कि ट्राइबल टूरिज्म से रिलेटेड छत्तीसगढ़ को क्या क्या मिल सकते हैं और किस तरह से छत्तीसगढ़ में संभावनाएं बनती है। यहां पर पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करना है, बस 3 से 4 लाइन में बॉडी का जो पहला पैराग्राफ होगा उसमें आप बताइए कि टूरिज्म से रिलेटेड या फिर छत्तीसगढ़ में ट्राइबल टूरिज्म से रिलेटेड छत्तीसगढ़ को क्या मिल सकता है या क्या मिल रहा है। तो इसमें आप स्टेट इकोनॉमी की बात कीजिए, सोशल बेनिफिट्स की बात कीजिए कि किस प्रकार से टूरिज्म, आदिवासी टूरिज्म छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकता है, किस तरह से सोशल बेनिफिट्स दे सकता है, तो इन सारी चीज़ों को वहाँ पर मेंशन कीजिए। हालांकि स्टेट इकोनॉमी में पर्यटन का कितना परसेंट हिस्सा है इसका आंकड़ा ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने तो ढूंढने की कोशिश की पर डेटा नहीं मिला कि टूरिज़्म का कितना परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हमारे जो भी है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में। इसके अलावा सोशल बेनिफिट्स आप लोग को पता है कि किस तरह से टूरिज़्म से हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासियों का पॉपुलेशन है, ट्राइबल्स पॉपुलेशन है, वो 30.62% है। तो यहाँ पर एक दो पैराग्राफ में आप इस तरह से संभावनाएं बता सकते हो। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में आप ये बताओ कि छत्तीसगढ़ में ट्राइबल टूरिज़्म की अभी कौन सी वर्तमान स्थिति है, कहाँ कहाँ पर ट्राइबल टूरिज़्म छत्तीसगढ़ में ज़्यादा वहाँ पर बन सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर बस्तर के दशहरा को मेंशन कर सकते हो, बस्तर ढोकरा यहां पर जो GI टैग मिला था उसको मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क में ट्राइबल्स की जो स्थिति है या ट्राइबल्स जिस प्रकार से है वो चीज मेंशन कर सकते हो। छत्तीसगढ़ का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मेंशन कर सकते हो, छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक मंदिरों को मेंशन कर सकते हो, छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक धरोहर स्थलों को मेंशन कर सकते हो। तो इस तरह से जो छत्तीसगढ़ में वर्तमान स्थिति है आदिवासी पर्यटन के लिए, उन सारी चीज़ों को वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो आप अपने सेकंड वाले पैराग्राफ में। ठीक है, तो इसके बाद जब यहाँ पर इन सारी चीज़ों को मेंशन कर दोगे कि छत्तीसगढ़ में ट्राइबल टूरिज्म से रिलेटेड कौन कौन सी संभावनाएं हैं या कौन कौन से जगह पर ट्राइबल टूरिज्म को ज़्यादा बूस्ट किया जा सकता है या किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में ट्राइबल टूरिज्म की वर्तमान स्थिति है, इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर मेंशन जरूर करना। उसके बाद बॉडी के अगर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बढ़े हैं तो नेक्स्ट पार्ट हमारा किस तरह से हो सकता है, फ्रेमिंग की आप लोग टेंशन मत लेना। फ्रेमिंग जो है आप लोग प्रयास करते चलिएगा, जैसे जैसे प्रयास करते जाओगे आपको समझ आते जाएगा कि किसी क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करना है। देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ ना कि फ्रेमिंग करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है। फ्रेमिंग करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आपको प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा कि मुझे किस वे में आंसर राइटिंग करना है, आप भटकोगे नहीं। और बड़े मतलब कि एक बड़ा उत्तर लेखन लिखने के भी बहुत सारे फायदे होते हैं, ज़्यादा वर्ड्स में लिखने के भी फायदे होते हैं कि अगर उसी से संबंधित छोटे क्वेश्चंस आ जाएं, 4 नंबर में आ जाए, 3 नंबर में आ जाए, तो वो बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ये एक इसका एक अलग बेनिफिट्स हो गया। इसके बाद और अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ तो बड़े उत्तर लिखने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे आपका उत्तर लेखन बेहतर हो जाएगा, नए नए शब्दों का ज्ञान होगा, आपकी लेखन शैली सुधरती जाएगी। तो इसीलिए हमेशा प्रयास करते रहिएगा। इसके बाद बॉडी के अगर हम सेकंड वाले पार्ट में बढ़ते हैं यानी कि इसके बाद हमारा ये हो जाएगा बॉडी का थर्ड पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में आप लोग को क्या मेंशन करना है,
इस पैराग्राफ में आप लोग मेंशन करेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से छत्तीसगढ़ में ट्राइबल टूरिज्म को से रिलेटेड कौन कौन से प्रयास किए गए हैं या कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। तो सबसे पहला चीज़ तो आप लोग यहाँ पर मेंशन करोगे कि छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ आदिवासियों से संबंधित या फिर यहाँ पर टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए, आदिवासी टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कौन कौन से प्रयास कर रही है। प्रयास नंबर एक, छत्तीसगढ़ हथकरघा विपणन संघ, नाम सुना होगा आप लोगों ने। इस संघ की तरफ से, यानी कि छत्तीसगढ़ हथकरघा विपणन संघ की तरफ से, और दूसरी बात छत्तीसगढ़ विपणन संघ, ये दोनों एक ऐसी संस्था है जो छत्तीसगढ़ के ट्राइबल से रिलेटेड जितने भी हैंडमेड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं या छत्तीसगढ़ में जितने भी फेमस हैंडमेड प्रोडक्ट हैं ट्राइबल से रिलेटेड, उनको राष्ट्रीय स्तर पे पहचान दिलाने के लिए जैसे अलग अलग एग्जीबिशंस आयोजित किए जाते हैं। हाल ही में आप लोगों को पता है कि दिल्ली में नया एक एग्जीबिशन हुआ था जिसमें कोसा साड़ी का वहाँ पर एग्जीबिशन किया गया था, तो श्रीलंका से भी उसकी डिमांड आई थी। तो ये दोनों संघ जो है छत्तीसगढ़ ट्राइबल से रिलेटेड जो भी हथकरघा यानी कि हाथ से सामानें बनाई जाती हैं, आदिवासियों की जो पहचान है उसको राष्ट्रीय स्तर पे या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान दिलाने का काम करते हैं, तो इन दोनों के बारे में लिखिए। पर्यटन विभाग का गठन किया गया था वर्ष 2012 में जाकर, ताकि छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ाया जा सके, इस चीज़ को मेंशन कीजिए। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, इस साल आप लोग को पता है कि कब आयोजन हो रहा है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है छत्तीसगढ़ सरकार का प्रयास है, ठीक है। आदिवासी, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, इसका आयोजन होगा आपका 27, 28 और 29 दिसंबर को, जो कि पूरे स्टेट्स, पूरे देश के जितने भी स्टेट्स हैं वो सभी को इनवाइट किया गया है। तो यहाँ पर एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सकता है जो छत्तीसगढ़ में है वो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा स्वदेश दर्शन स्कीम्स के आदिवासी परिपथ को मेंशन कीजिए, इसके अलावा रामायण परिपथ को मेंशन कीजिए, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 18 टूरिज़्म इंफॉर्मेशन सेंटर है, ठीक है, इस चीज़ को मेंशन कीजिए। 18 जो है टूरिज़्म इंफॉर्मेशन सेंटर है, इस चीज़ को मेंशन कीजिए। इसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्जा दिलाने के लिए सिरपुर को जो प्रयास किया जा रहा है उसके बारे में मेंशन कीजिए, राजिम कुंभ के बारे में मेंशन कीजिए। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो जो प्रयास कर रही है, आप उन सारे प्रयासों को आप अपने तीसरे पैराग्राफ में इंक्लूड करो। इसके अलावा इस पैराग्राफ में अगर यहाँ पर आपको कुछ बेहतर स्कीम्स आपके ऑप्शन में हैं तो उस चीज़ को भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप अपने बॉडी के तीसरे पैराग्राफ में इंक्लूड कर सकते हो। चौथे पैराग्राफ में क्या हो जाएगा, प्रोस्पेक्ट्स, यानी कि संभावनाएं। संभावनाएं आप किस प्रकार से बता सकते हो, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से संभावनाएं बन सकती है ट्राइबल टूरिज्म से रिलेटेड। तो संभावनाएं में सबसे पहला आप यहां पर मेंशन करो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। इस नई गवर्नमेंट के पास में एक एडवांटेज है और यह एक संभावना बन सकती है कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के तहत छत्तीसगढ़ में आदिवासी टूरिज़्म को बढ़ाया जा सके, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी टूरिज़्म के बहुत अधिक संभावनाएं हैं। पॉपुलेशन देख लो, फॉरेस्ट एरिया देख लो, बहुत अधिक तक संभावनाएं हैं अगर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इस क्षेत्र में काम करती है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का जो केंद्र है वो आदिवासी यानी कि ट्राइबल टूरिज़्म की तरफ ले जाया जाए, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बेनिफिट या एडवांटेज छत्तीसगढ़ सरकार को मिल सकती है। इसके अलावा स्टेट इकोनॉमी, यहाँ पर दूसरी संभावनाएं ये बनती है कि अगर ट्राइबल टूरिज़्म को यहाँ पर डेवलप किया जाता है, अच्छे तरीके से डेवलप किया जाता है, अच्छे तरीके से प्रमोट किया जाता है, तो स्टेट इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है आदिवासी टूरिज़्म यानी कि ट्राइबल टूरिज़्म। इसके अलावा सोशल डेवलपमेंट, जो छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा ट्राइबल है उनके डेवलपमेंट का काम किया जा सकता है ट्राइबल टूरिज़्म को बूस्ट करके। सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि जो भी वहाँ पर इतना बड़ा पॉपुलेशन है ट्राइबल से संबंधित, उनके सोशल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पे पहचान दिलाने की बात होगी, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स हैं, जिस तरह के छत्तीसगढ़ में ट्राइबल्स को पहचान दिलाया जा सकता है, सारी संभावनाएं जितने भी यहाँ पर बनती हैं उसके आधार पर आप छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर जितना अभी पहचान है उससे एक बड़ा पहचान दिला सकते हैं। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट्स आप रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके इस पैराग्राफ में प्रोस्पेक्ट्स रख दोगे तो उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में बॉडी का आप यहाँ पर चैलेंजेस लिखो। हालांकि कोई भी सेक्टर हो, कोई भी क्षेत्र हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि उस क्षेत्र में चैलेंजेस ना हो। तो कभी भी जब आंसर राइटिंग लिख रहे हो, कभी भी एसे राइटिंग लिख रहे हो, तो बहुत सारे टॉपिक्स इसमें मिलेंगे आपको कि वहाँ चैलेंजेस कंपलसरी होगा। तो छत्तीसगढ़ में ट्राइबल टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए जो वर्तमान स्थिति है और जो वर्तमान चैलेंजेस हैं वो किस प्रकार से हैं। सबसे पहली बात, जियोग्राफिकल चैलेंजेस। जियोग्राफिकल चैलेंजेस कैसे, छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर सरकार की योजनाएँ, सरकार की पहुँच लगभग ना के बराबर है।
तो उस क्षेत्र को शामिल करना और उस जो वृहद क्षेत्र हैं उसको शामिल करना, जो जटिल क्षेत्र हैं उसको शामिल करना सरकार के पास में सबसे बड़ी चैलेंजेस हैं। दूसरा चैलेंजेस रिसोर्सेज प्रॉब्लम है। ट्राइबल सेक्टर में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के पास में, यानी कि ट्राइबल टूरिज्म में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के पास में डेवलप करने के लिए रिसोर्सेज बहुत कम मात्रा में अवेलेबल हैं, तो उस रिसोर्सेज को बढ़ाना होगा ताकि ट्राइबल टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर बूस्ट किया जा सके। बजट में फंडिंग की व्यवस्था करनी होगी। तो ये हो गया आपका सेकेंड चैलेंजेस। नक्सलवाद सबसे बड़ी जो चुनौतियाँ हैं उसमें से एक नक्सलवाद भी है, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे प्रयास भी किए दूर दराज एरियों को वहाँ पर शामिल करना। एक ये भी चैलेंजेस है कि सरकार की वहाँ पर योजनाएँ नहीं पहुँच पा रही थी क्योंकि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में चरम स्थिति पर है, तो इस चीज़ को भी चैलेंजेस में आप ले सकते हो। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में बहुत सारे एक ऐसे आदिवासियों के समुदाय हैं जो ये नहीं चाहते कि बाहरी लोग उनमें दखल दें। सपोज़ अगर आप ट्राइबल टूरिज्म से रिलेटेड वहाँ किसी तरह के डेवलपमेंट का काम कर रहे हो, तो वो समुदाय कभी नहीं चाहता कि यहाँ पर बाहरी लोगों का किसी भी तरह से कोई हस्तक्षेप हो। वो इस बात को समझ नहीं पाते, तो ग्राउंड लेवल पे उनकी जो मानसिकता है उसे बदलने की ज़रूरत है। इस तरह के कंटेंट्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो चैलेंजेस में। ठीक, तो ये आपका पूरा कंप्लीट बॉडी हो गया। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कौन कौन सी इसमें चीज़ें आएंगी। बॉडी में हमने क्या लिखा, सबसे पहले हमने बॉडी में बताया कि ट्राइबल टूरिज्म से रिलेटेड छत्तीसगढ़ में क्या क्या यहाँ पर हो सकती हैं, स्टेट इकोनॉमी किस प्रकार से बढ़ सकती है, सोशल बेनिफिट्स किस प्रकार से मिल सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान स्थिति है ट्राइबल टूरिज्म से रिलेटेड, जैसे GI टैग मिला, बस्तर का दशहरा हो गया, राजिम कुंभ का मेला हो गया, इसके अलावा 3 नेशनल पार्क्स हैं, तो किस तरह से यहाँ पर ट्राइबल टूरिज्म की वर्तमान स्थिति है, सेकंड पैराग्राफ में हमने लिखा। इसके बाद थर्ड पैरा में हमने क्या बताया कि सरकार के तरफ से कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। फोर्थ पैराग्राफ में हमने संभावनाएं प्रोस्पेक्ट डिस्कस किए और लास्ट वाले पैराग्राफ में हमने यहाँ पर चैलेंजेस डिस्कस किए। ये हो गया आपका पूरा मुख्य भाग। अब लास्ट पार्ट आ जाता है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन आप लोगों को पता है कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, शुरुआत इंट्रोडक्शन से कंक्लूजन पे खत्म होता है, तो निष्कर्ष यहाँ पर हमारा एक अट्रैक्टिव होना चाहिए इंट्रोडक्शन की तरह। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी आपने इम्पोर्टेंट स्कीम्स इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यूज़ किया उसको अंडरलाइन करो, छोटा छोटा पैराग्राफ बनाने की कोशिश करो, मैं बार बार बोलता हूँ। ठीक है, तो जितने लोगों ने भी प्रयास किया वहाँ पर कोशिश कीजिए कि पैराग्राफ छोटा छोटा हो, ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ ना हो, अंडरलाइन करने की कोशिश लगातार करते रहिएगा। ठीक, इसके बाद कंक्लूजन आपका इस तरह से होना चाहिए, आपने जितने भी पार्ट को, जितने भी पैराग्राफ को, जितने भी सारे कीवर्ड्स को यूज़ किया अपने बॉडी वाले पार्ट में, उसको एक बार अपने माइंड में एनालाइज करो कि आपने किन किन चीज़ों को लिखा है। उसके बाद मैं बार बार बोलता हूँ, खुद का एक ओपिनियन बनाओ फैक्ट्स के साथ में कि छत्तीसगढ़ में ट्राइबल टूरिज्म की वर्तमान स्थिति और संभावनाएँ पर आपका ओपिनियन इन फैक्ट्स के आधार पर क्या हो सकता है। सरकार क्या करे, सरकार को सुझाव दीजिए कि सरकार किस किस तरह से काम कर सकती है और किस तरह से ये छत्तीसगढ़ के इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर सकती है, किस तरह से सोशल बेनिफिट्स दिला सकती है, तो इन सारी चीज़ों को आप वहाँ पर कंक्लूजन में इंक्लूड कीजिए। कंक्लूजन आपका बहुत अट्रैक्टिव बन जाएगा। ठीक है, लेकिन फैक्ट्स को हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात, कोशिश कीजिएगा कंक्लूजन के हमेशा एंडिंग में एक कोटेशन डालने का। कोटेशन डालोगे बहुत अट्रैक्टिव बनेगा। तो इस तरह से आपका ये पूरा फ्रेमिंग हो सकता है किस टॉपिक पे, आदिवासी पर्यटन वर्तमान स्थिति और संभावनाएं पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक आपके सामने टोटल ओवरव्यू रखा कि किस तरह से यहाँ पर सारे पॉइंट्स बन सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सारी संभावनाएं बन सकती है, एक पूरा फ्रेमिंग आपके सामने इस तरह से हो सकता है। इसके अलावा एक बार फिर से आपको और आपके पूरे परिवार को कंपटीशन कम्युनिटी की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दीपावली के बाद इस हफ्ते का जो टॉपिक क्रिएट किया गया है इसको भी आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। इस हफ्ते जो हो जाएगा छत्तीसगढ़ का 7वां सप्ताह हो जाएगा और आपका नेशनल का 5वां सप्ताह हो जाएगा। टॉपिक आपके सामने है, टेलीग्राम पर भी सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ जाइएगा और इस हफ्ते का प्रयास जरूर कीजिएगा। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।